I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. तो to be very honest, हम इन दिनों है ना, मैं और रिचा स्पेशली हम ये चीज के बारे में बहुत बात कर रहे थे कि यू नो वन टू रिकॉर्ड्स कितने टाइम से निकाल नहीं रहा है. एंड हम नॉर्मली भी बात करते काफी बार कि जब हम इनिशियली जब हम आए थे, रिएक्शंस हम जब देना स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम पे आई थिंक बहुत सारा कॉन्टेंट एक साथ आया था. इट वॉज नॉट कि सब पुराने हैं, कितने न्यू लोग आते थे. एंड हम लोग है ना वन टू रिकॉर्ड्स के रिसेंटली वीडियो वाइज भी इतने अच्छे होते जा रहे थे. लाइक यू नो एक कॉन्सेप्ट और एक फुल फ्लेज कुछ एक चीज था, एक ओवरऑल पैकेज हो रहा था. आता था अभी तो क्या, तो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग. और फिर हम लोग रिसेंटली जितनी बार चेक किए थे, वी बोला क्या कुछ नया नहीं आया है, कुछ नया नहीं आया है. दैट्स नॉट जस्ट विद वन टू रिकॉर्ड्स, आई थिंक बहुत सारे चैनल्स को जो हम फॉलो किया करते थे इनिशियली, वो उनपे कंटेंट काफी कम हो गया है. एंड इनिशियली तो ऐसा लगता था कितने आते थे, हम कंफ्यूज रहते थे कि अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है. एंड नाउ इट्स लाइक यार इस पे तो आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा. तो हम आई थिंक अभी लास्ट वीक भी हम इस बारे में बात करे थे, अचानक से पता चला कि वन टू रिकॉर्ड्स ने अपलोड किया है. तो आई वाज सो हैप्पी कि चलो थैंकफुली ये वापस यू नो हमें बैक इन फॉर्म में भी मे बी. बट आई डोंट नो, बीच बीच में इनके आते हैं, लेकिन बहुत आई जस्ट होप ये पहले जितना रेगुलर थे या फिर हमारे लिए हमें जितना रेगुलर लगते थे उतने रेगुलर, तब मजा आएगा कि हम रोज रोज से देख सकते, एक्सप्लोर कर सकते. तो ठीक है, इसका काफी बज़ है. और ये सॉन्ग ही नेम वाइज बहुत अलग साउंड कर रहा है, लाइक नॉट सम रेगुलर पंजाबी सॉन्ग, सॉन्ग. एंड अभी अचानक से लाइक अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं, वन डे बैक ये आया है और अचानक से कॉमेंट्स में भी आया था, लाइक क्या सॉन्ग है. मतलब एक्चुअली इनका जब पहले मिट्टी का खड़ौना आया था, तो उसका ना वो था कि एक टाइमर जैसा चल रहा था सबके लिए कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है. इस बार तूने मुझे बोला तब मुझे पता चला कि ओके एक नया गाना आया है. एंड वो भी देख के काफी शॉकिंग था कि यार मतलब पहले कभी भी कुछ भी आता था ऑलरेडी एक टीजर होता था या कुछ भी, लोगों को पता नहीं कहाँ से पता रहता है कि आने वाला है इस दिन इस टाइम पे. अभी तो ऐसा लगा ऑल ऑफ अ सडन आ गया और काफी अभी तो एज ऑफ नाउ काफी बज में भी है. ठीक है, आई थिंक लेट्स रिएक्ट फर्स्ट, उसके बाद. अदनान काजी वचीरे वाले दा दिल ले जा तू, सुए वचीरे वाले दा दिल ले जा तू, आज तेरी दी छांच आके बह जा तू, हो आज तेरी दी छांच आके बह जा तू. Bello got a deal too. Everywhere you go, eyes on you. How the boy tryna slide on you? How the boy saying I want you? Nah, Bello man, ten unicorna. Kare rap naale munda bada sona. Tera ex mere samne phone. Girari adki, tenu main phone. धीरे धीरे मेरे कोल ते आना, सुना दूंगा तुझे कोई गाना, सुहे वचीरे वाला तू तो करे कमाला. Oh, oh, oh.
अज पाले परांदानी तेरी कालिया कालिया जुल्फा ने बदल ले ओंदानी तेरे ते आया है दिल किसे ते ओंदा नहीं चल रहने ते हुण बाकी दी गल मैं इत्थे सुनांदा नहीं तू करके दिल दी चोरी उत्तों कहंदी ए सॉरी ए ना इनसाफी होरी विच बाजार सोहणी ए साडी ते सुन लई अपनी कह जा तू साडी ते सुन लई अपनी कह जा तू आज तेरी दी छांच आके बह जा तू हो आज तेरी दी छांच आके बह जा बह जा बह जा तू छोटू सा गाना आई नो तो ओह या ओके तो अम्ब्रेला नहीं था दिस वाज छतरी या नाइस इसके वीडियो में एक कितना 2010s वाला वाइब था ना बिकॉज ऑफ यू नो ऑल द बैकग्राउंड पीपल उसके कारण आई गेस वो इंटेंशनली रखा गया है बिकॉज वो सारा जो जूम अप था एंड ऑल एंड Since Adnan Kazi, we know, he tries different things lot. So I guess ये one of those था जहाँ पे उन्होंने एक different approach से किया था ये direction. I personally loved it. Like, I want to know about Fateh Singh. हाँ ना. Okay, Fateh Singh, amazing song, but amazing T-shirt. उनका T-shirt बहुत cool. It was cool. It was fancy. Yeah, nice. एंड ये मतलब काफी अच्छा वाइब था पूरे सॉन्ग का काफी इसके बीट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे एवरीथिंग आई थिंक मुझे बहुत मजा आया लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉन्ग जब मैंने ये थंबनेल लिखा था मुझे पता नहीं था ये ऐसे जाने वाला आई थॉट इट्स समथिंग डिफरेंट और ये पूरा परफॉर्मेंस देखने के बाद तो बहुत मजा आया बहुत मजा आया एंड द डांस मूव्स आई थिंक सब कुछ कितने डिफरेंट कल्चर्स दिखा दिए एक साथ लगे द वन दुल्हन वाले सहरा Then all the Western women. इसमें I guess कुछ specific लोगों को भी लिया गया है I exactly don't remember उस thing का name. It's a derma condition ना skin condition. I'm a little zone out. रिचा नहीं I'm a little zone out. मुझे एक important call आ गया तो तभी तूने देखा होगा जिस कॉल आई वाज लाइक मैं ब्लैंक हो गई एंड उससे पहले मैं गाना एकदम एंड में कॉल आया ठीक है एंड मैं बोलते बोलते आई एम लाइक ओ गॉड मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी हूँ हाँ लेकिन बैक टू द सॉन्ग इसलिए मैं इतनी ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ द सॉन्ग इट्स वाइब ये अब शादियों वाला एक्चुअली शादी सीजन आ रहा है इट्स हाईली 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 पॉसिबल की होता ना एक गाना जो वायरल हो जाता है वाला सीन अदनान काजी का जितना हमने बस हो गया अदनान काजी का मतलब बातों को सुन वैसे अदनान काजी का जितना हमने देखा लेकिन डायरेक्शन वाइज ही डज अमेजिंग जॉब तो जो इनके शॉट्स थे एवरीथिंग बहुत सेंसुअल था काफी अच्छा लग रहा था लेकिन यू नो सब फिट इन कर रहा था सॉन्ग के साथ ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड पंजाबी थिंग इज ऑलवेज फन सब में तो बड़ा मजा आता है एंड तुम लोग तो कितना सुनते हो पंजाबी लाइक अदी अदी या तू भी तो साथ में बैठ के सुनी लेती है राइट हाँ एज पर मेरा कंजम्पशन इज वेरी लेस मेरे को तो पता भी नहीं है कुछ ज्यादा तो ठीक है बहुत टाइम बाद ये गाना है काफी फन था काफी फन था काफी अच्छा लगा ये गाना मुझे और नए गाने चाहिए ऐसे वाले यार इतना टाइम हो गया हम लोग एक्चुअली मिस कर रहे थे बिकॉज़ वी आर एंजॉयिंग ओएस वी आर एंजॉयिंग एवरीथिंग बट यू नो एक चीज जो मिसिंग रहती है वो मिसिंग ही रहती है यू कांट हेल्प इट सो इट वॉज वन ऑफ दोज जो मिसिंग था इतने दिन एंड आज सुन के मजा आ गया एक फ्रेश नया कुछ इतने टाइम बाद बिलाल सेठ को देखे ऑलरेडी इट्स अ नाइस थिंग अच्छा लगता है ऐसे सब देखना और इन दिन तो काफी कम हो गए तो इसलिए यू नो ऐसे टाइप की चीजें और ज्यादा फन हो जाती है जब भी हम वॉच करते हैं तो थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर चलो गाइस सी यू टाटा